हेलो दोस्तों, गिट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन का एग्जांपल टू। एग्जांपल वन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी डिस्कस की थी कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन होता क्या है, और गेट के एग्जाम्पल से मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि आपको इंट्रोडक्शन पता लग जाए। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, रिलेशन आर, जिसके अंदर चार एट्रीब्यूट है ए बी सी डी। ओरिजिनल टेबल में मेरे पास दो डिपेंडेंसीज है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ए बी गोज टू सी डी, डी गोज टू ए। और हमने इस टेबल को डीकम्पोज किया दो टेबल्स में, एक आर वन में जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट रखे ए और डी, एक आर टू में जिसके अंदर तीन एट्रीब्यूट रखे बी सी एंड डी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि अगर मैं इन दोनों टेबल्स को यूनियन करूं, मतलब इन दोनों टेबल्स के एट्रीब्यूट को यूनियन करूं, क्या ओरिजिनल टेबल अचीव होगा। तो देखो, ए डी और बी सी डी का अगर आप यूनियन करोगे तो क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी, मतलब चारों एट्रीब्यूट आपके आ गए। तो कॉलम जो है, मतलब जो एट्रीब्यूट, कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की। अगर मैं इस टेबल को आर वन में डिवाइड करता हूं, तो आर वन के अंदर हम क्या लिखते हैं, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। कौन कौन सी पॉसिबल है, सिर्फ नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो ऑलरेडी वैलिड होती है, तो उसको आप चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा वैलिड ही होती है। तो यहां पे नॉन ट्रिवियल में हमारे पास आई ए गोज टू डी, डी गोज टू ए, दो ही बनेंगी। ए डी को डिटरमाइन कर रहा है, लेट्स सपोज डी ए को डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सी पॉसिबल है, वो कैसे चेक करोगे, वो आप ओरिजिनल टेबल में देखो। ओरिजिनल टेबल में कहीं पे है, अगर ए का क्लोजर आप लो तो ए के क्लोजर में क्या आएगा, ए आएगा, दैट्स इट, ए ही आएगा अकेला। तो ए डी को डिटरमाइन कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डी गोज टू ए, तो डी का क्लोजर लो, तो डी के क्लोजर में डी आया और डी से ए भी आ गया, तो यस डी गोज टू ए इज पॉसिबल, ये इसमें पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं R2 की, B, C, D। तो यहां पे मेरे पास सारी नॉन ट्रिवियल लिखनी है, तो नॉन ट्रिवियल में लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले एक एट्रीब्यूट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एक का मतलब है, लेट्स से मैंने B लिखा तो ऑब्वियसली C और D यहां आ गए। नेक्स्ट C लिखा तो B और D यहां आएंगे। नेक्स्ट लेट्स सपोज D लिखा तो मेरे पास C और B यहां पे आ जाएंगे। B C लिख लो या C B एक ही बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक एक एट्रीब्यूट लिखा, तो ये सारी नॉन ट्रिवियल है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे दो दो लिखते हैं, लेट्स से B और C लिखा तो यहां पे D आएगा, और लेट्स सपोज B और D लिखा तो यहां पे C आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास यहां पे C और D लिखा तो यहां पे B आ गया, तो दो वाले हो गए। अब अगर तीन वाले लिखते हैं, लेट्स से बी सी डी, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बी सी डी, अगर आप क्या लिखोगे यहां पे, बी लिखोगे या सी लिखोगे या डी लिखोगे, तो वो ट्रिवियल बन जाएगी। दोनों का अगर आप यूनियन लेते हो, लेफ्ट और राइट हैंड साइड का, तो वो नॉट इक्वल टू फाइव आएगा, विच इज अ ट्रिवियल। तो ट्रिवियल नहीं लेनी, सिर्फ नॉन ट्रिवियल। तो अब हम इनमें से देखते हैं कौन कौन सी वैलिड है बाई लुकिंग एट द ओरिजिनल डिपेंडेंसीज। तो बी का क्लोजर देखो, यहां पर बी के क्लोजर में क्या आएगा, बी के क्लोजर में आया सिर्फ बी और कुछ नहीं आएगा, बी के क्लोजर में सिर्फ बी आया, तो यानी बी सी को डिटरमाइन कर रहा है और डी को नहीं कर रहा, ये पॉसिबल नहीं है। अब हम सी का क्लोजर लेते हैं, सी के क्लोजर में देखो क्या आया, सी के क्लोजर में आया सी, सी तो ऑब्वियसली ट्रिवियल है, आएगा ही, नेक्स्ट कोई भी नहीं आया, तो यानी सी बी डी को डिटरमाइन कर रहा है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट डी, डी के क्लोजर में देखो क्या आया, डी के क्लोजर में डी आया और ए आया, डी के क्लोजर में डी और ए आया, तो देखो डी सी और बी को डिटरमाइन कर रहा है, नहीं, डी तो सिर्फ ए को डिटरमाइन कर रहा है और किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा, तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बी सी गोज टू डी, अब बी सी का क्लोजर लेना है यहां पे देख के, तो बी सी के क्लोजर में बी और सी तो आएगा ही आएगा, ट्रिवियल है। नेक्स्ट बी और बी और सी के क्लोजर में और कुछ भी नहीं आएगा, यानी डी को डिटरमाइन नहीं कर रहा, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बी और डी, बी और डी के क्लोजर में देखो, बी और डी के क्लोजर में बी और डी आया और डी से मेरे पास ए आया और ए बी से देखो मेरे पास सी भी आ गया, ये देखो बी और डी के क्लोजर में मेरे पास बी और डी तो आएगा ही, डी से मेरे पास ए आ गया, यस, और ए और बी से मेरे पास सी भी आ गया, सारे आ गए। बी और डी इस टेबल की कह सकते हो आप कैंडिडेट की है, तो सारे एट्रीब्यूट आ गए, तो यानी बी डी सी को डिटरमाइन कर रहा है, कर रहा है, ये पॉसिबल है, ध्यान रखना ये वाली आपकी पॉसिबल है। नेक्स्ट सी और डी, सी और डी का क्लोजर लो इसको देख के, सी डी से सी डी तो आएगा ही आएगा और डी से ए आ गया, यस, ए से, दैट्स इट,
बी नहीं आ रहा ना, सी और डी के क्लोजर में सी और डी आएगा, डी से ए आ गया लेकिन बी नहीं आ रहा, दैट्स इट। तो यहां पे सी और डी के क्लोजर में बी आया, नहीं आया। तो यानी इन दोनों में कौन कौन सी पॉसिबल है, इन दोनों का यूनियन ले लो। इन दोनों का यूनियन अगर आप लोगे तो एक तो ये पॉसिबल थी डी गोज टू ए, और एक ये वाली बनी थी आपकी बी डी गोज टू सी, ये वाली दो आपकी, इन दोनों का यूनियन। अब आपको क्या चेक करना है, पहले हमने यहां पे पॉसिबिलिटी देखी इसको देख के, अब आपको चेक करना है इसकी पॉसिबिलिटी इसको देख के। मतलब ए बी का क्लोजर लो, ए बी का क्लोजर लेंगे, लेकिन अब ए बी का क्लोजर इसको देख के नहीं, अब ए बी का क्लोजर लेंगे इसको देख के, और चेक करेंगे क्या सी डी आया। मतलब इसको चेक करना है कि क्या ये आ रही है इसको देख के। तो ए बी का क्लोजर अगर हम ले यहां पर, ए बी सी ऑब्वियसली ए बी आएगा, और मेरे पास क्या आया देखो, ए बी से और क्या आएगा, ए बी से कुछ भी नहीं आ रहा, दैट्स इट। ए बी से ए बी ही आ रहा है, कोई और एट्रीब्यूट नहीं आएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी से ए बी आया, और डी से ए आएगा वो मेरे पास है ही नहीं, और बी से बी और डी कंबाइंड से है, कुछ भी नहीं आ रहा। यानी दिस इज नॉट प्रिजर्व्ड। ए बी यहां पे कह रही है कि मैं सी और डी को डिटरमाइन कर रहा हूं, लेकिन इसमें ए बी कह रही है कि मैं किसी को भी डिटरमाइन नहीं कर रहा। मतलब जब हमने डीकंपोज किया तो मेरे पास ये दो पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों पॉसिबल की वजह से क्या मैं ओरिजिनल को अचीव कर रहा हूं, मैं ओरिजिनल को अचीव नहीं कर पा रहा। हाँ, दूसरी अचीव हो रही है, डी गोज टू ए, देखो डायरेक्ट लिखी हुई है, तो यस डी गोज टू ए अचीव हो रही है, लेकिन ए बी से मैं चाहता हूं सी और डी को डिटरमाइन करना है, लेकिन क्या ए बी से मैं सी और डी को डिटरमाइन कर रहा हूं। इन दोनों डिपेंडेंसीज को अगर आप इन दोनों के यूनियन को लिखोगे तो क्या मैं डिटरमाइन कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा। तो यानी ये मेरे पास प्रिजर्व्ड नहीं हुई। मतलब जब हमने इस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये दोनों एट्रीब्यूट रखे, इन दोनों एट्रीब्यूट्स की वजह से मेरे पास ये दो डिपेंडेंसीज यहां पे पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों डिपेंडेंसीज की वजह से मैं ओरिजिनल वाली वापिस अचीव नहीं कर पा रहा। वापिस अचीव मैं सिर्फ एक कर पा रहा हूं, डी गोज टू ए, ए बी गोज टू सी डी मैं अचीव नहीं कर पा रहा इन दोनों की वजह से। तो यहां पर आप कह सकते हो कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं हुई। तो ये एक एग्जांपल हमारे पास, हमने डिस्कस किया जहां पे डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड नहीं हुई। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पे डिपेंडेंसी प्रिजर्व की हुई थी, हमने एक एग्जांपल हमने उसका डिस्कस किया। थैंक यू।